गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी में पार्ट 2 हमारा घर समझेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे और समझेंगे। पार्ट 2 हमारा घर, जैसे कि आप बुक में पिक्चर्स दे सकते हैं। प्रारंभ में मनुष्य का जीवन एकदम अलग था। मनुष्य मतलब हम, है ना। वह जंगलों में रहता था। वह भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। मनुष्य को हमेशा जंगली जानवरों का डर रहता था। साथ ही सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में भी उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मनुष्य क्या एक स्थान पर नहीं रहते थे, पहले इधर से उधर घूमते ही रहते थे। भोजन के लिए भी उन्हें इधर से उधर भटकना पड़ता था। सर्दी, गर्मी, बारिश के, क्योंकि उनके पास घर नहीं थे तो वो इन सब मौसमों में परेशान होते थे। आगे समझेंगे हम। सुरक्षित स्थान की खोज करते करते एक दिन मनुष्य ने पहाड़ में बनी एक गुफा देखी। अंदर जाने पर उसने पाया कि यह तो वह हर प्रकार की परेशानी से बच सकता है। अंदर जाने पर उसने क्या देखा कि इस गुफा में रहकर वह हर परेशानी से बच सकता है। ठीक है, जंगली जानवरों से भी बच सकता है और सर्दी बारिश से भी बच सकता है, चाहे वह जंगली पशु हो या विभिन्न मौसम। यह मनुष्य का सबसे पहला घर था। गुफा क्या थी? मनुष्य का पहला घर था। कुछ दिन तक तो ठीक रहा, पर फिर छोटे पशुओं से इस घर में भी मनुष्यों को खतरा पैदा होने लगा। तब मनुष्य ने पेड़ों पर घर बनाना शुरू किया। इसके बाद मिट्टी के घर बनाए जाने लगे। आज भी कई इलाकों में लोग मिट्टी के बने घरों में रहते हैं। आपने गांव में देखा होगा ना, मिट्टी के घर बने रहते हैं। ये घर गर्मियों में बहुत ठंडे रहते हैं। उसके बाद मनुष्य ने ईंट, चूना, पत्थर आदि से घर बनाना सीखा। आज के अधिकांश घर इसी प्रकार के हैं। ये घर कई तरह से बनाए जाते हैं। ये घर एक मंजिल के भी होते हैं और अनेक मंजिल के भी, है ना। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक मंजिल का घर है और ये ज़्यादा मंजिलों का घर है ना। जिन स्थानों पर भूमि की कमी है वहाँ लोग पानी में नौका घर बनाकर रहते हैं। क्या करते हैं, जहाँ स्थान नहीं रहते वहाँ पे क्या करते हैं लोग, नाव के अंदर घर बना के रहते हैं। दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो एक स्थान पर टिकते नहीं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इन्हें बंजारा कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? बंजारा। ये अपना चलता फिरता घर अपने साथ लेकर चलते हैं, जिन्हें कारवा कहते हैं। विश्व में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ जमीन हमेशा भारी बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ के निवासी अपना घर बर्फ से बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। इग्लू के घर देखे होंगे ना, जो बर्फ से बने होते हैं। तो हुई हम मनुष्यों की बात। ये सब बात किसकी हो रही थी? मनुष्यों की, है ना। मनुष्य कहाँ पे रहते थे, पहले उनका घर क्या था, फिर उन्होंने कैसे घर बनाना सीखा, है ना। सृष्टि के हर छोटे बड़े जीव जंतुओं को घर की आवश्यकता होती है, चाहे वह पानी का जीव हो या कोई पक्षी। रहते सब घर में ही है। कुछ जंतु बिलों में रहते हैं, जैसे चूहा, नेवला आदि। आपने देखा होगा ना, चूहा बिलों में रहते हैं, जमीन में हॉल करके। खरगोश भी अपनी सुरक्षा के लिए बिलों में रहते हैं। सांप व दीमक के बिल को बाबी कहते हैं। सांप और दीमक के बिल को क्या कहते हैं हम? बाबी। भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ जैसे पशु भी बिल बनाकर रहते हैं। इन पशु के बिल को मात कहते हैं। सभी प्रकार के पक्षी घोंसलों में रहते हैं। ये घोंसले पक्षी के आकार और स्वभाव के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। मधुमक्खी और ततैया अपने लिए कई खानों वाला घर बनाते हैं, जिन्हें छत्ता कहते हैं। मकड़ी का घर जाला कहलाता है। मकड़ी का घर निराला होता है। वह अपना घर स्वयं अपनी लार से बनाती है। किससे बनाती है? अपनी लार से। मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि पानी के जीव हैं। ये पानी में रहते हैं। कछुआ और घोंघा, ये दोनों एक विशाल प्रकृति के ऐसे जीव हैं जो अपना घर अपनी पीठ
पर लिए हुए पृथ्वी और पानी दोनों स्थानों पर रहते हैं ना। कछुआ कहाँ रहता है? पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। इनके शरीर के कवच ही इनके घर हैं। ठीक है, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ समझ लेते हैं। शब्दार्थ क्या दे रखे हैं? सुरक्षित, जिसकी अच्छी तरह रक्षा की गई हो, ठीक है, जिसमें बिल्कुल रक्षा होती हो अपनी। परेशानी, कठिनाई, विभिन्न अनेक प्रकार के, खतरा, डर, जोखिम। विश्व, संसार, विशाल, बहुत बड़ा। ठीक है, तो आज हमने पार्ट दो हमारा घर पढ़ा और समझा। आपके पास पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगी, आप घर पे इसका रिवाइज कीजिएगा। ठीक है।